नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम हर दिन जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। देश में कोरोना संक्रमण के 15,786 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 231 मरीजों ने गवाई जान। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दी गलत जानकारी, देश से माफी मांगे कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। राहुल गांधी की करीबी हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ की कमान, हाईकमान ने हरीश रावत को किया कार्यमुक्त। हज 2022 पर जाने वालों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी, मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया बयान। विधानसभा चुनाव 2022 के तहत चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की बैठक 26 अक्टूबर को AICC मुख्यालय में मिलेंगे पार्टी महासचिव और राज्य प्रभारी। धनबाद जज हत्याकांड के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने CBI को लगाई फटकार, कहा जांच की स्टेटस रिपोर्ट स्टीरियोटाइप है। सेना की मूवमेंट और सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, अरुणाचल प्रदेश में तेजी से बिछरा है सड़कों का जाल। अब चीन की बढ़ेगी टेंशन, अलास्का की ठंड में US सैनिकों के साथ भारतीय सूरवीरों का युद्ध अभ्यास। अप्रूवल में कभी कभी लगता है ज्यादा समय, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी पर बोला WHO। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने खारिज की JNU छात्र सरजील इमाम की जमानत याचिका, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। जम्मू कश्मीर में अमित शाह के दौरे की मद्देनजर श्रीनगर में दर्जनों ड्रोन की हुई तैनाती, चप्पे चप्पे पर लगाए गए एरियल सर्विलांस। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वैक्सीनेशन और कोविड चुनौतियों पर कर सकते हैं बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा समाप्त, अंतिम दिन पूजा और अरदास करने के बाद लौटे दिल्ली। यस बैंक के प्रॉफिट में आया उछाल, सितंबर तिमाही में नेट कमाई 225 करोड़ रुपए की पार। अरुणाचल प्रदेश और असम सीमा पर भारत ने तैनात किए पिनाका और स्मार्च रॉकेट लॉन्चर, दुश्मनों को ऐसे कर सकता है तहस नहस। लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए NCB ऑफिस पहुंची अनन्य पांडे और चंकी पांडे, आर्यन खान के चेट में आया था अनन्य पांडे का नाम सामने। बांग्लादेश में ड्रग तस्करी को लेकर शरणार्थी कैंप में भिड़े रोहिंग्या मुसलमान के दो समूह है, 6 लोगों की मौत। नारनौल में नांगल चौधरी में खाद न मिलने पर फूटा किसानों का गुस्सा, जाम लगाकर पुलिस पर कर दिया पथराव। न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को भरने में विफल रहने पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में मेस का खाना खाकर ITPP की 21 जवानों को हुई फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में हुए भर्ती। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर जन्मा नया विवाद, निहंग ने मजदूर से मांगा फ्री चिकन, नहीं देने पर टांग तोड़ दी। मुंबई की 60 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत, BMC ने दिए जांच के आदेश। पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 16 को। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 68 लाख युवाओं को देगी स्मार्टफोन और टेबलेट, विपक्षी दल बता रहे हैं चुनावी स्टंट। जीत गए कानूनी जंग, 39 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महंगा पेट्रोल डीजल खरीदे तब याद रखिए 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है सरकार, प्रियंका का केंद्र पर हमला। ब्रिटिश विदेश सचिव भारत में नए रणनीतिक मंच पर, प्रौद्योगिकी समझौतों की घोषणा करेगी, 2 दिन की यात्रा पर आज पहुंची दिल्ली। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले हम इस हथियार को लेकर चिंतित। जनता के साथ चल रहा घिनौना मजाक, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी का केंद्र पर वार।
गुजरात में मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 8.74% अधिक। उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ धाम की कपाट 6 को तो बद्रीनाथ धाम के 20 नवंबर को होंगे बंद। एफएटीएफ ने किया गरीबी में आटा गीला, अब पाकिस्तान को नहीं मिल सकेगा बैंकों से कर्ज, आलू प्याज तक को बेचने में आएगी मुश्किलें। चीन ने ताइवान पर किया हमला तो उसकी रक्षा करेगा अमेरिका, जो बाइडेन ने किया ऐलान, ड्रैगन को दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के अंदर एनआईए की टीम ने कई जगहों पर चलाया तलाशी अभियान, पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बिहार प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 23 जिलों में किसानों को अनुदान पर मिलेगा बीज, 72 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य। दिग्गज अभिनेत्री सुधा चंद्रन का झलका दर्द, पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा एयरपोर्ट पर बार बार रोके जाने से होता है दुख, दिव्यांगों के लिए बनाई जाए कोई नई स्कीम। अब भारत के पास है 16,052.4 किलोमीटर की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, यूएस का बयान। एनसीबी के सामने बदला बदला सा था शाहरुख खान का मिजाज, अधिकारियों से बोले अच्छा काम कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने किया 6 IPS का तबादला, लखीमपुर हिंसा के SIT प्रमुख का भी नाम है शामिल। छात्रों शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ और स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की मांग के साथ किया प्रदर्शन। आमिर खान के विज्ञापन पर बीजेपी नेता अनंत हेगड़े को ऐतराज, बोले नमाज के वक्त भी होती है सड़कें जाम। उत्तर प्रदेश में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी, आधे घंटे तक हुई अहम बैठक, चुनावी मसलों पर बातचीत को लेकर आसार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में आई भारी गिरावट। FIR के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ अब मुंबई कोर्ट में आपराधिक शिकायत, RSS की तुलना तालिबान से करने का है मामला। नेपाल में बाढ़ और लैंड स्लाइड से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या 100 के पार, फसलों को भी हुआ नुकसान। केरल उत्तराखंड में बाढ़ की तस्वीरें भयानक, नदियों का बड़ा जल स्तर, भारी बारिश से भूस्खलन ने मचाई तबाही। 8 लाख की आय सीमा पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को मिला आरक्षण रोकने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर में PDP ने सत्यपाल मलिक को भेजा कानूनी नोटिस, से महबूबा मुफ्ती पर लगाए थे कानूनी दुरुपयोग के आरोप। केंद्रीय मंत्री नकवी बोले हज यात्रियों को लेनी होगी टीके की दोनों खुराकें, अगले महीने होगी यात्रा की आधिकारिक घोषणा। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, उड़ीसा में कार्यकारी अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, बोले पार्टी में उत्साह की भारी कमी। अमेरिकी एजेंसी का दावा, भारत विकसित कर रहा है दोगुनी क्षमता के हाइपरसोनिक हथियार, चुनिंदा देशों की सूची में है शामिल। मुंबई में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, पार्क और ऑडिटोरियम, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग होगा जरूरी। पंजाब में अमरिंदर की महिला मित्र और पाक खुफिया एजेंसी के कनेक्शन की होगी जांच। यूपी चुनाव 2022 के तहत कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा कल से होगी शुरू, प्रियंका गांधी दिखाएगी हरी झंडी। उत्तराखंड आपदा पर चामोली पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, आपदा पीड़ितों से मिलकर दिया मदद का आश्वासन। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।